क्रांति से खून की बू आ रही है, तो उनको आ रही होगी, क्योंकि उनकी सत्ता जो है कुछ ही लोगों के लिए है। सीधा सीधा युद्ध है, सीधी सीधी जंग जो चल रही है, जिसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि जो न्यायपालिका है वो कुछ ही लोगों की है। यो ललित है जो जो जब सत्ता में आता है तो एक तड़ी पार गृह मंत्री बन जाता है, जब वो सत्ता के अंदर आते हैं तो एक जो गुजरात में दंगे करने वाला इंसान पीएम बन जाता है। आज युद्ध चल रहा है और हम इस युद्ध के अंदर शामिल हैं। हम लोग बोलते हैं कि आज जो लिखा हुआ किस किस को कैद करोगे, सच्ची बात है किस किस को कैद करोगे। आपकी जेलें इतनी बड़ी नहीं है, आपकी बंदूकें इतनी बड़ी नहीं है, आपकी लाठी इतनी बड़ी नहीं है जो हम लोगों को जेल के अंदर बंद कर पाए। तो मैं शुरू में जो मुद्दा है कि आखिर जेल के अंदर बंद कौन लोग हो रहे हैं, साथियों ने इस पे बात उठाई है, तो मैं जो बात करना चाहूंगी, जो टैग दिए जा रहे हैं वो टैग क्या है। सबसे पहला टैग है माओवाद, दूसरा टैग है नक्सलवाद। तो हम लोग को ये जानना चाहिए, कुछ लोग सरकार ये बात अच्छे से जानती है कि माओवाद क्या है। ये कुछ लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो अच्छे से बहुत अच्छे से जानते हैं कि माओवाद नक्सलवाद क्या है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पहेली बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए कि आखिरकार माओवाद शब्द आया कहाँ से था। मतलब जो माओ से तुंग थे वो चीन के एक ऐसे नेता थे जिसने साम्यवाद की बात की, जिसने क्रांतिकारी उन लोगों की बात की जो इस समाज के अंदर दबे कुचले और पीड़ित हैं। हम बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज हमारे देश के अंदर जो हलचल हो रही है हम लोग उसकी बात करते हैं, हम लोग सवाल उठाते हैं। हम लोग को ये हक होना चाहिए कि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी लोग बोल रहे हैं, जहाँ कहीं भी शोषण के खिलाफ बात उठ रही है, उस बात को हम लोग लोगों के सामने रखें। जिस तरीके से चीन के अंदर क्रांति होती है, उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि भारत के अंदर भी क्रांति होनी चाहिए। जो लोग आज बोलते हैं क्रांति से खून की बू आ रही है, तो उनको आ रही होगी, क्योंकि उनकी सत्ता जो है कुछ ही लोगों के लिए है। सीधा सीधा युद्ध है, सीधी सीधी जंग जो चल रही है, जिसके अंदर साफ साफ दिख रहा है कि जो न्यायपालिका है वो कुछ ही लोगों की है। यो ललित है जो जब सत्ता में आता है तो एक तड़ी पार गृह मंत्री बन जाता है, जब वो सत्ता के अंदर आते हैं तो एक जो गुजरात में दंगे करने वाला इंसान पीएम बन जाता है। गुजरात में दंगे सरेआम किए जाते हैं, उसकी वीडियो सरेआम होती हैं, उसके अंदर आज भी लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। बिल्कुल बानो इस बात का सबूत है, जिसके पेट के अंदर जो बच्चा उसको मार दिया जाता है, 3 साल के बच्चे को मार दिया था पत्थर के ऊपर मार के। लेकिन आज क्या हो रहा है, जब वो सत्ता के अंदर है तो जो लोग महिलाओं पर रेप करते हैं, जो लोग महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर पत्थर डालते हैं, जो लोग छोटे छोटे बच्चों को मार देते हैं, जो लोग मुसलमानों को मारते हैं, जो लोग आदिवासियों को मार रहे हैं, जो किसानों को मार रहे हैं, उन लोगों को रिहा किया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ये हमारा लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र का मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग को समझना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब आज हमारे लिए कोई खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि आज लोकतंत्र इस देश के अंदर है ही नहीं है। चारों के चारों स्तंभ गिर चुके हैं। जो मीडिया है जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं टीवी के अंदर, वो क्या कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि देखिए ये जो हमारे मोदी हैं वो देश के लिए सब कुछ कितना कुछ कर रहे हैं, 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में आ गए हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर दिया। उन्होंने क्या किया है, कृषि कानून लेके आए, लेकिन किसानों ने लड़ाई लड़ी। वो लेबर कोड लेके आए कि आप इन्हें नहीं बना सकते, आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। वो अग्निपथ योजना लेके आते हैं, साम्राज्यवाद की नीतियों पे चल रहे हैं वो लोग। वो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। वो ये नहीं जान सकते कि पहले हिस्ट्री के अंदर ऐसा टाइम था जब दलित जो पढ़ाई के लिए बात करता या सुनता था उसके कान में सिक्का पिघला के डाल दिया जाता था। वो हिस्ट्री खत्म कर दी गई। हिस्ट्री कौन सी लेके आई जा रही है, जो वो खुद बना रहे हैं, नकली हिस्ट्री लेके आई जा रही है। ये सिस्टम चल रहा है। आज हम लोग बात करना चाहते हैं उन सभी लोगों की जो जेल के अंदर बंद हैं। आज युद्ध चल रहा है और हम इस युद्ध के अंदर शामिल हैं। हम लोग बोलते हैं कि आज
जो लिखा हुआ किस किस को कैद करोगे, सच्ची बात है किस किस को कैद करोगे। आपकी जेलें इतनी बड़ी नहीं है, आपकी बंदूकें इतनी बड़ी नहीं है, आपकी लाठी इतनी बड़ी नहीं है जो हम लोगों को जेल के अंदर बंद कर पाए। आज जो लोग जेल के अंदर बंद हैं वो हमारे नायक हैं, हमारे साथी बोल के गए हैं कि अगर जेल के अंदर वो बंद हैं हमें डर नहीं है, हमें खौफ नहीं है। वो कुछ ही लोग हो सकते हैं जिनको डर है, वो जो जिन लोगों को खौफ है, क्योंकि आप देख लीजिए निशाना सहित रखा है उन्होंने। जो लोग बोल रहे हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, जो लोग बोल रहे हैं उनके ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है, यूएपीए प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है। जो भी बोलता है उसके ऊपर तुरंत यूएपीए लगा के जेल के अंदर बंद कर देता है। कोई आपको सबूत देने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जो है कुछ ही लोगों की है, पूंजीवादी लोगों की है, ये साम्राज्यवादी लोगों की है, ये सामंती लोगों की सरकार है। हम लोग ये बात करते कि इस सरकार को गिराने के लिए, इस सरकार को पलटने के लिए हमें जो करना पड़ा हम लोग करेंगे। और ये सवाल उन जनता के लिए है जो आज खुश है, खुश चंद लोग हैं जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, सब चीज़ है, वो खुश है। लेकिन आज मैं अपने एरिया की बात करूं, मैं जो देख रही हूं, मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा उम्र मैंने व्यतीत कर ली है, मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं जो अपने एरिया के अंदर देख रही हूं मैं उसकी बात करना चाहती हूं। हमारे कुंडली एरिया के अंदर जो बड़े बड़े सामंती फ्री में काम करवाते हैं मजदूरों से, और जो भी वहाँ पे बोलते हैं हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेबर कोड तो अभी आया है, हम लोग बोलते हैं लेबर कोड आ गए अब जाके 12 घंटे काम होगा। 12 घंटे काम तो पहले से ही चल रहा है। आपको उत्पादन देना होगा, बढ़ा के उत्पादन देना होगा, नहीं दे पाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक मशीन हो, मजदूर एक मशीन है, बस आपको उतना ही खाना दिया जाता है जितना कि आप उसके लिए दोबारा काम कर पाए, दोबारा मजदूर बन पाए। ये ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी है। हम लोग हर रोज आंखों के सामने देखते हैं, वहां पे मजदूरों के साथ रेप हो रहे हैं, मजदूर महिलाओं से रेप हो रहे हैं, मजदूरों के हाथ पैर काटे जा रहे हैं। उनके लिए कुछ नहीं है, कोई उनके लिए खड़ा नहीं होता है। आप कुंडली के अंदर आके देखिए, वहां पे हर जगह गड्ढे हैं, पानी है, मजदूरों के लिए लाइट का प्रबंध नहीं है। छोटे छोटे घरों के अंदर रह रहे हैं वो लोग। जो एक टाइम पे चीन के अंदर एक इंसान ने बुक लिखी थी कि देखिए वहां पे जाके देखिए मजदूर की स्थिति में रह रहे हैं। आज भी 2022 चल रहे हैं, अभी भी आप जाके देखिए मजदूरों की स्थिति क्या है। तो बात यह है कि हम लोग को सवाल उठाने की जरूरत है। किसान भी परेशान है, आदिवासी परेशान है, महिलाएं परेशान है, मुसलमान परेशान है, और सभी लोग वो परेशान है। जिस तरीके साथी बोल रहे थे कि वो नए नए नारे लेके आ रहे हैं, मुल्ले काटे जाएंगे ये आम नारा हो गया है, राम राम चिल्लाएंगे मुल्ले काटे जाएंगे, सीधा सीधा ये बात करते हैं कि ये लोग मार काट की बात है। वो लोग आज सत्ता में हैं, वो लोग आज प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो लोग आज पीएम हैं, वो लोग आज गृह मंत्री हैं, वो लोग आज चीफ की बात वो साथी कर रहे थे। मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगी कि वो जो चीफ जस्टिस है, जो यूयू ललित है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उन्होंने कौन कौन से केस लड़े हैं। उन्होंने सलमान खान का केस लड़ा था, मैं पढ़ रही थी, उसके अंदर क्या था कि उन्होंने हिरन मार दिए थे उसको लेकर उन्होंने केस लड़ा। अमित शाह का केस उसने लड़ा था, जिसके अंदर क्या था कि भाई वो लोग दंगे करवा रहे हैं और ये उनको छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सत्ता में आते वो गृह मंत्री बन जाते हैं। फिर भाजपा के मुख्यमंत्री जो है 1998 के अंदर और 1994 के अंदर जो है भाजपा के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो बाबरी मस्जिद तोड़ने के अंदर शामिल थे, वो उसके ऊपर पूरा पूरा सारा एविडेंस थे, प्रूफ थे, लेकिन वो उनकी साइड खड़े थे। जितने भी उन्होंने केस लड़े आज तक, हम लोग यहाँ पे खड़े होके पर जितने भी केस लड़े हैं वो खूनी गुंडई और आम जनता के खिलाफ लोगों के साथ केस लड़े हैं। और आज वही वो लोग वो न्यायपालिका संभाल रहे हैं। आज हमें किसी भी न्याय पर भरोसा नहीं है, किसी भी लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। हम लोग आप लोगों से सवाल कर रहे हैं कि आप लोग कहाँ पे खड़े हैं और इस प्रोग्राम के बाद आप लोग क्या करने लग जाओगे। हमें इस सत्ता को, हमें इस सिस्टम को उखाड़ फेंकना होगा। हम लोग ये बोलते हैं, चाहे मुझे बाहर निकलते ही अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन हम लोग बोलते रहेंगे क्योंकि ये सत्ता आम जनता के खिलाफ है। और इसीलिए आज मुझे लगता है कि कुछ लोग जो डर रहे हैं उन लोगों को ये डर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जेलें इतनी भर चुकी कि उनको नई जेलें बनानी पड़ रही हैं। ऑलरेडी इतने कानून जो है वो लोग उसका विरोध करें कि वो नया कानून घड़ रहे हैं, कि इस कानून को छोड़ दे एक नया कानून बना लेते हैं कि जनता को लेगा। ये कानून तो जनता के लिए है, लेकिन ये जनता के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि हम लोगों को विरोध के लिए खड़े होना चाहिए, बगावत के लिए खड़े होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप लोग आज़ाद नहीं हैं तो आप लोग बोलिए, सवाल उठाइए।
यही हम लोग बात बार बार करते रहेंगे, इसीलिए हम लोग को कोई डर नहीं कि आप हमें टैग देंगे। हम लोग बोलेंगे और उम्मीद करते हैं कि जनता उन लोगों को सुनेगी जिन लोगों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, और जनता बोलेगी क्योंकि हम लोगों ने इतिहास को देखा है। हमेशा हिस्ट्री के अंदर जब जब सत्ता के अंदर ऐसे लोग आते हैं तो उनके खिलाफ हमेशा से बगावत खड़ी हुई है, तो हम लोग आज भी बगावत के लिए खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर बोलेंगे। आप लोग यहाँ पे मूक दर्शक बन के ना बैठिए, आप लोग ही बोलिए, सवाल उठाइए। इतना कहते हुए मैं ये बोलूँगी कि जय जनता जय संघर्ष, जीत तभी लोगों की होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।